26 जनवरी यानी कि हमारे देश का गणतंत्र दिवस आज के दिन ही विधिवत जो है संविधान लागू हुआ और पूरा देश जो है एक सूत्र में बंधा, यानी कि 1950 को ये लागू हुआ और आज जो है 75वां गणतंत्र दिवस है हमारे देश का। और आज के डेट में कुछ स्पेशल है, कुछ विशेष है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा प्रशासन से लेकर के स्कूल के बच्चे तक तैयार हैं। क्षेत्र में कुल 37 योजनाओं पे लगभग 150 करोड़ स्वीकृति रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। धनबाद जिला अंतर्गत स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के कुल 28 योजनाओं के लिए कुल 4 करोड़ की स्वीकृति प्रदान किया गया है, जिसमें तालुक छपड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र कलियासोत, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केंदुआडी का निर्माण कार्य तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर निरसा एवं जयपुर कलियासोत का जीर्णोद्धार कार्य मुख्य है। धनबाद शहरी जल आपूर्ति योजना फेज 2 के तहत चिरकुंडा, मैथन, इक्यारपुर एवं कलियासोत क्षेत्र में समुचित जल आपूर्ति हेतु रॉ वाटर पंपिंग प्लांट में पंप सेट इत्यादि के लिए 117 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। CSR के तहत धनबाद मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं गोल्फ ग्राउंड में फ्लड लाइट का स्थापन, पुलिस पेट्रोलिंग हेतु 30 अदद नए मोटरसाइकिल का क्रय, दिव्यांगजनों के लिए 20 अदद मॉडिफाइड स्कूटी का क्रय का कार्य प्रगति पे है। सदर अस्पताल धनबाद के 100 बेड नवनिर्मित अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया गया है, जिसमें मरीजों को निशुल्क ब्लड उपलब्ध कराया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग एवं PM अभिम योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 38 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने की योजना का कार्य तेजी से चल रहा है, जो आने वाले 6 माह में पूर्ण एवं क्रियाशील हो जाएंगे। लोगों को व्यवसाय हेतु वाहन एवं ऋण की राशि उपलब्ध कराई गई है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर एवं बाल विवाह प्रथा का अंत करना है। इसके तहत कक्षा 8 से 12 तक अध्ययनरत एवं 18-19 वर्ष की बालिकाओं को विभिन्न वर्गों में नियमानुसार 2500, 5000 एवं 20000 तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। जो ये संदेश दे रही है आज के दिन, जिंदगी चुनो तंबाकू नहीं, बेटी हुई है तो खुशियां क्यों ना बढ़े। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 8,65,000 आयुष्मान कार्ड तकला पर है, तुम्हें टका रुपया जरूर निकलेगा। स्वास्थ्य विभाग खुशहाल परिवार, बदहाल परिवार, शराब पीने के दुष्प्रभाव, जी हाँ, शराब के दुष्प्रभावों को प्रचारित करता इसके हम सभी के आकर्षण के लिए दूसरी धाकी उत्पाद विभाग धनबाद के द्वारा आज के दिन ये जितनी भी झांकियां हैं हम सभी के लिए एक जरूरत को, उसकी महत्ता को बताते हुए ये DRDA धनबाद द्वारा सुसज्जित झांकी जोरदार तालियों से आप इन सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करेंगे। धीरे धीरे मंच के सामने ये DRDA धनबाद के द्वारा सुसज्जित झांकी अपने विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए, जिसकी जानकारी इस झांकी के माध्यम से यहां उपस्थित आप सभी को प्राप्त हो रही है। जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित ये योजनाएं जो झारखंड के विकास
और राष्ट्रीय विकास में अपनी महती भूमिका निभा रही हैं। जी हां, ये डीआरडीए धनबाद द्वारा सुसज्जित झांकी। संक्षेप में, रोटी कपड़ा और मकान के उद्देश्यों को प्रदर्शित और प्रचारित करते हुए और देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे और धीरे धीरे ये जिला गव्य विकास कार्यालय धनबाद द्वारा सुसज्जित ये झांकी। जिला गव्य विकास कार्यालय धनबाद द्वारा सुसज्जित ये झांकी अपने विभिन्न योजनाओं को हम सभी के अवलोकन के लिए प्रदर्शित करते हुए विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित करती हुई मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना मेघा डेयरी द्वारा प्रतिदिन 18,000 लीटर दूध की बिक्री की जाती है। पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों के लिए बकरी पालन योजना, बतख पालन योजना, विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित करती हुई ये झांकी। जिला समाज कल्याण विभाग के द्वारा सुसज्जित जोरदार तालियों से आप इनका उत्साह वर्धन करेंगे। जी हां, मंच की ओर अग्रसर ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा सुसज्जित झांकी मिशन शक्ति पर आधारित है। मिशन शक्ति की ये योजना सबल महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है। इसी के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा सखी वन स्टॉप सेंटर की योजनाओं को ये प्रदर्शित करती हुई झांकी जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा सुसज्जित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य नागरिकों को लैंगिक पूर्वाग्रह के खिलाफ शिक्षित करना और लड़कियों के कल्याण में सुधार करना है। बाल लिंगानुपात CSR को कम करना तथा बालिकाओं की सुरक्षा तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इनका संकल्प, इन योजनाओं का उद्देश्य। जोरदार तालियों से आप इन सभी कलाकारों का उत्साह वर्धन करें। ये संवाद स्थापित करती हुई ये विभिन्न विभागों द्वारा सुसज्जित झांकियां आप सभी के ध्यान आकर्षण के लिए, आप सभी को राष्ट्रहित में संकल्पित करने के लिए। अपनी झांकी के माध्यम से राज्य में हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराकर मुख्य धारा में जोड़ने का एक प्रयास है। फूलों झानो आशीर्वाद अभियान, इस अभियान के तहत चिन्हित ग्रामीण महिलाओं का काउंसलिंग कर इच्छा अनुसार वैकल्पिक आजीविका के साधनों को प्रदर्शित करती हुई, इन योजनाओं को प्रदर्शित करती हुई ये जैसल PS के बाद धनबाद द्वारा सुसज्जित जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत 4,44,549 परिवार एवं ग्रीन कार्ड योजना के अंतर्गत 41,464 परिवारों को जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से प्रत्येक माह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। खदान के बेकार पानी का सिंचाई में उपयोग, इसी विषय वस्तु को प्रदर्शित करते हुए ये झांकी। टाटा स्टील देश का लगभग 110 वर्ष पुरानी सबसे नैतिक कंपनियों में उत्कृष्ट। सहकारिता विभाग की झांकी, धान अधिप्राप्ति केंद्र धनबाद जिले में वर्ष 2023-24 में 14 पैक्सों में
धान अधिप्राप्ति केंद्र स्थापित किया गया है। 84,000 क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित है। सोलर कोल्ड रूम धनबाद जिला अंतर्गत 5 पैक्सों में सोलर कोल्ड रूम स्थापित किया गया है ताकि किसानों द्वारा फल सब्जी एवं दैनिक उपयोग की सामग्री सुरक्षित रखा जा सके। अगली झांकी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग धनबाद द्वारा जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं से संबंधित ये झांकी है। कृषि विभाग धनबाद द्वारा सुसज्जित और विषय वस्तु बिरसा कृषक पाठशाला और इसी क्रम धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर आर्थिक शिक्षा परियोजना धनबाद द्वारा सुसज्जित झांकी हम सभी के समक्ष शिक्षा के महत्व को प्रदर्शित करते हुए शिक्षा के लौ को देश के कोने कोने में जगाने को संकल्पित ये झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद द्वारा सुसज्जित ताकि स्कूल नहीं आने वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना, छात्रों में जिम्मेवारी की भावना पैदा करना, माता पिता को अधिक जागरूक और जिम्मेवार बनाना, जी हाँ आज के इस राष्ट्रीय उत्सव में शिक्षा के प्रति हमारी भूमिका को प्रदर्शित करता है ये झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद द्वारा सुसज्जित झांकी। और इसी क्रम में अगली झांकी धनबाद नगर निगम द्वारा सुसज्जित ये धनबाद नगर निगम द्वारा पानी के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें, जी हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रदर्शित करता हुआ ये धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा सुसज्जित ये झांकी। जिला परिवहन कार्यालय सड़क सुरक्षा कोषांग के द्वारा सुसज्जित हमारे दैनिक जीवन में धनबाद वासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु जिससे हम रोजाना रूबरू हो रहे हैं। यहाँ जिला परिवहन कार्यालय सड़क सुरक्षा कोषांग द्वारा सुसज्जित ये झांकी। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के थीम पर ये प्रदर्शन झांकी जिस तरीके से आज सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए यह झांकी बनाई गई है जिसका मुख्य उद्देश्य हम सभी के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति हम सभी अपने जनसंपर्क विभाग द्वारा सुसज्जित ये अशोक चक्र विजेता शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा जी की बात 3 जनवरी 1991 की जब पुलिस मुख्यालय की घंटी बजी चीज के लिए आपको सम्मानित किया गया। वैसे तो सब जान रहे फिर भी बताइए अपने मुख से। ये आज गणतंत्र दिवस के परेड में प्रथम स्थान के लिए मुझे सम्मानित किया गया। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही गौरवान्वित पल है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और आगे आप क्या सोच रही हैं? आगे भी मैं इसी प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन करती रहूंगी जब भी मुझे मौका दिया जाए। एवं अन्य गणमान्य लोगों के कर्तव्यों से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है।
और इसी क्रम में झांकी में प्रथम उत्कृष्ट प्रदर्शन जिला सूचना एवं दर्शित करने की कोशिश की गई है और सभी विभागों ने झांकियों में जो स्तर पे कार्य हो रहा है उसको जिला स्तर पे प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है और बहुत अच्छा झांकियां सभी द्वारा निकाला गया। उन विभाग अध्यक्षों को भी हमारी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहा है, ये हमको ये दिखाता है कि हमारा सरकार गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल है। पुलिस भी परिवार का ही एक पार्ट है, हम लोग भी हमेशा समाज की सेवा, समाज की सुरक्षा देने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहता है और आने वाले एक साल में हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हम लोग आज के दिन में धनबाद जिस बेहतरीन तरीके से धनबाद पुलिस की कार्रवाई हो रहा है उसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग धनबाद का एक नाम हम लोग पूरा झारखंड में और पूरा भारत में रोशन करने के और कार्रवाई करेंगे। पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया है, अच्छा काम करने के लिए यहाँ डीसी साहब के द्वारा बहुत पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन भी दिया गया है। हम लोग यही कोशिश करेंगे कि इससे और आदमी इस साल काम करेंगे और आज अगर 5 आदमी को मिला हम लोग यही कोशिश करेंगे कि अगले बार हम लोग 50 आदमी अच्छा काम करके जिला प्रशासन से पुरस्कार लें। जैसे कि पुलिसिंग धीरे धीरे जनता से कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, कम्युनिटी से समन्वय बिना स्थापित किए हुए पुलिसिंग करना आज के दिन में मुश्किल है। कम्युनिटी का मोबिलिटी बढ़ गया है, पब्लिक का मोबिलिटी बढ़ गया है। अगर पब्लिक हमारा सहयोग करेंगे, पब्लिक आन खान खोल के पुलिस के लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स बनेगा, अपने समाज में कुछ दूसरा तरीके से अगर कुछ होता है तो उसके सूचना अगर पुलिस तुरंत पुलिस को देगा तो एक तरीके से पुलिस को कंट्रोल करने में और गलत करने वाले आदमी को चिन्हित करके उन लोगों को ठीक करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। इसलिए मेरा कोशिश यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पे धनबाद में पब्लिक के साथ मिलके कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग हम लोग चलाएंगे। आप देख रहे हैं लाइव SPN नजर पर, मैं निरंजन कृष्णा कैमरामैन चंदू जी के साथ और आप देख रहे हैं सब पर नजर।